सात पॉइंट छह से में लंबाई का रेखाखंड खींचे और इसे पांच अनुपात आठ में विभाजित करें। तो सात पॉइंट छह से में इसे रेखाखंड खींचे सात पॉइंट छह से। अब इसको कितना अनुपात बढ़ना है, पांच अनुपात आठ। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल रख के और न्यून को, न्यून को मतलब 90 डिग्री से, जैसे मान लिया कि स्केल जो एक स्केल ऐसे ले लेंगे और यहाँ से झुकाते हुए एक इधर लाइन खींचेंगे। कितना कितना मत जितना ऊंची पर बराबर इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ पर भी यहाँ इतना खींच देंगे। हो गया। अब क्या करेंगे, कोई चाप लेंगे प्रकार पे और यहाँ से देखेंगे पहला कितना है पांच, चिवरा कितना है आठ, इस पर पांच चाप खींचेंगे एक दो तीन चार पांच और इधर से आठ चाप खींचेंगे, यही चाप रहेगा एक दो मतलब तीन चार पांच छ सात आठ, मतलब बी बिंदु पता करना चाहिए क्या, बी बिंदु पता करके हाँ बी पर से रखकर यहाँ से एक दो तीन यहाँ से ए पर कर बराबर ऊपर पांच नहीं हो सकता है, नहीं पहले पांच लिखा बाद में सात ना के। ए है जिसको ए वन लिख दिए, ए है तो ए टू लिख दिए, ए तो ए थ्री लिख दिए, ए फोर ए फाइव फाइव ये वाला बी वन बी टू बी सी बी थ्री बी फोर बी फाइव मिला सात पॉइंट ये हो गया आपका पांच, कितना गया आठ। और इन दोनों को मतलब इस रेशियो इस लाइन यह लाइन में जिस रेशियो में बचा है नापना होगा तो पांच एक्स प्लस आठ है, इसका भी कितना सात पॉइंट छ, आठ का कितना हुआ तेरह एक्स सात पॉइंट छ, एक्स बराबर सात पॉइंट छ बटा तेरह बटेगा 0.13/65 और हुआ 1 1 13/104 0.58 यानी 0.59 लगभग आएगा। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसका इतना भाग आएगा ये वाला उतना स्केल से नंबर में आ जाएगा, फिर इस पॉइंट से इस वाला मल्टीप्लाई कर देंगे आठ में, तो यहाँ से यहाँ तक जितना आया होगा उतना स्केल पर शो हो जाएगा, इसी पॉइंट पर हो गया ऐसे पहले बना पहले पहला बना दे बना इधर यहाँ से यहाँ तक जो मापेगा ए से पांच है तो पांच गुणे एक्स का मान कितना है 0.58 इसमें गुणा करेगा जितना आएगा एटी कितना आएगा 0.5 है कितना है आठ है आठ गुणे 0.58 यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर आएगा ये वाला लाइन उतना सेंटीमीटर होगा वाला लाइन उतना सेंटीमीटर होता है जिसका बराबर आ जाएगा इसको गुणा कर पे जितना आएगा इसको गुणा पे जितना आएगा अगर जितना आ रहा है तो सही है सही बनाया है रचना सही है मेरा रुके ना बात और कर दे इतना रह जाता है सबसे कम जरूरत थोड़ी थोड़ी कर लो हां चार 3 और 4 इधर मिला दे
त्यही बनि या बेस ना समझिना खाली छाप लियो नि ई कोड से ई कोड ई पहला क्वेश्चन आधारित प्रश्न है कि 8 से मिलाना एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:5 में विभाजित करें और दोनों को माप लेना है। जैसे पहला बनाया है 7.6 से मिलाना रेखाखंड खींचिए, इसी तरह 8.6 से मिलाकर करो। एक रेखाखंड खींच दो 8.6 से या कितना का 8 का ना जी 8 से हो गया। स्केल से नियम कौन स्केल करो स्केल से ले बड़े ये पूरा है ये स्केल से आप रखकर न्यून कोण खींच लो सीधा तो चलेगा ना इस तरह आप न्यून कोण खींच लो आखिर प्रकार से चाप लेकर कोई प्रकार से कोई चाप लेकर ठीक है जितना बड़ा इतना नहीं नहीं जितना ज्यादा बड़ा तो ज्यादा छोटा प्रकार से चाप लेकर कितना है 3 और 5 मिलाना है यहाँ से तीन इस पर रखकर फर्स्ट बार एक चाप दो चाप तीन चाप चार चाप और पांच फिर यहाँ से वही चाप यहाँ पर रखकर 1 2 3 4 पांच यहाँ फिर था पांच तीन था ना जी। दो तीन तीन ही लेना है इधर पांच 1 2 3 4 5 ये थोड़ा बड़ा हो गया तो कोई मतलब नहीं। अब ये हो गया A1 ये हो गया A2 A3 ये हो गया A3 ये हो गया B1 B2 ये B2 B3 B4 B5 B4 B5 अब 3 और 5 5 में है तीन वाला को किसे मिला देंगे पांच तीन वाला को पांच से मिला देंगे वो नया तो कितना भी सकता अब यहाँ मान लीजिए टी अब जांच करना है कि सही बना है कि नहीं बना है तो जैसे 3 और 5 है तो 3x + 5x = लंबा कितना है 4 और टी नीचे लिखा है कि लिखा है ऊपर जहाँ मैं जाने को 8x = 8 x बराबर 8/8 इस पॉइंट पर है कितना है एक है ना जी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 80 1 × 3 30 सेंटीमीटर का होगा और बी टी ये 3 × 5 1 × 5 5 सेंटीमीटर का होगा देखो इसको मापो माप रहे हैं दूसरा 4 से भी 5 से भी और 6 से भी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 होंगी। इसके लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे 4 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी होता 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी 4 5 6 इन तीनों में ज्यादा कौन है 6 सेमी जो ज्यादा होता है उसको आधार मानते हैं ज्यादा को आधार ज्यादा का मानते हैं आधार तो मान लिए कि ये 20 सेमी 6 सेमी हो गया जी। अब क्या करेंगे बचा है 4 और 5 आधार 6 हो गया या तो इधर 4 बना गया तो इधर 5 बना 4 5 कोई नहीं बना बस आधार फिक्स है कि आधार नीचे रहेगा तो यहाँ से क्या करेंगे दो तो प्रकार दो तो यहाँ से मान लो कि स्केल का 5 सेमी माप लीजिए इधर स्केल है स्केल कितना है 4 है ना जी स्केल पर 4 सेमी माप लेंगे और 4 के माप पर यहाँ पर रखकर ऐसे रखेंगे काटेंगे ऐसे आधा करेंगे काट कर देंगे तो यहाँ से मैंने माना कि यहाँ से मैंने क्या स्केल पर 4 सेमी आपका ऐसे काट दिया फिर स्केल पर रख देंगे इसके बाद कितना है 5 सेमी 5 सेमी का स्केल पर और क्या करते हैं काटेंगे तो इसमें मैंने इधर यहाँ काटेंगे तो ऐसे आएगा जहाँ पर कटे यहाँ उसमें रख देंगे यहाँ जाते हैं इसको मानते हैं क्या ए ए कितने की जमीन है 4 और ये कितने की जगह 5
इसको स्केल पर रखकर बी को आंसर ऐसे क्या कर देंगे, चार पत्थर ऐसे कर देंगे, फिर स्केल पर पांच सीमा करेंगे और पांच सीमा पर ऐसे क्या कर देंगे, कितना होगा पांच जहां पर कटेगा वहां पर मिला देंगे, तो ये हो गया चार से क्या हो गया पांच से हो गया। कितना पहले तैयार करो, अब देखो यहाँ पर चार से पांच से छह से रचना हो गया। अब यहाँ पर इसमें एक और त्रिभुज खींचना है, अब ये अंदर जाएगा कि बाहर, मतलब जो त्रिभुज की रचना दूसरा करेंगे वो या तो अंदर मतलब या तो इस त्रिभुज के बाहर, तो अंदर जाएगा बाहर जाएगा पता करने के लिए यहाँ पर देखेंगे दो बट्टा तीन है, अंश छोटा है हर से जी, अंश छोटा है हर से जी, तो जब अंश हर से छोटा रहेगा तो त्रिभुज जो बनेगा वो अंदर बनेगा, अंश हर से क्या है छोटा है, अंश जब हर से क्या है छोटा है, तो त्रिभुज का जो रचना करेंगे जो समुच्चय त्रिभुज होगा वो कहाँ बनेगा अंदर, तो इन दो दो बटा तीन में दोनों में बड़ा कौन है तीन, जैसे बताया है न्यून कोण फिर यहाँ से खींचेंगे इस बी पर से रख कर फिर क्या करेंगे न्यून कोण खींचेंगे, हो गया दो और तीन में बड़ा कितना है तीन है, तीन को चाप लेंगे कोई समान चाप इस पर से रखकर एक दो तीन तीन रचना हो गया। अब बी है तो क्या लिखेंगे बी वन बी टू बी थ्री हो गया। अभी पता लगा कि त्रिभुज अंदर बना है बाहर बन रहा है, अंदर बन, जैसे मान लो कि हमको घर के अंदर जाना है तो बाहर वाला दरवाजा बंद रहेगा, तो बाहर कौन पड़ेगा क्यों ना पड़ेगा जी। इसको स्केल से डायरेक्ट इसको स्केल से सीसे कर देंगे, इसको डायरेक्ट क्या स्केल से मिला देंगे ना, उसके बाद से क्या करा है इस पर से प्रकार रखना है दो प्रकार इस पर क्या करना है अपने मन से इस पर रखना है तीन पर ठीक है, और ये चार को मतलब नहीं है जितना मर्जी उतना ले सकते हैं बड़ा ना छोटा, इससे क्या करेंगे इस पर ऐसे चाप खींचकर इसमें रख देंगे मिला देंगे किस पर रखकर तीन पर ठीक है, तीन पर रखकर मैंने कहा कि ऐसे मिला देंगे हो गया। फिर अब कहां पर है दो पर, अब दो पर से रख खींचेंगे दो पर से रखकर दो पर रखकर ऐसे इसमें इस लाइन में क्या करेंगे दो पर रखकर इसको से आकर सट गया ठीक है। अब क्या करेंगे इसको नापेंगे कि कितना बड़ा है, ये वाला क्या करेंगे नापेंगे, जैसे मान लो ये जितना बड़ा होगा इस पर से रख कर लाएंगे इसको क्या करेंगे काट देंगे, ये वाला जितना बड़ा होगा ई वाला पॉइंट ई वाला पॉइंट ना यहाँ से आया है पे यहाँ पे ले जाएंगे यहाँ से क्या करेंगे काट देंगे, जहां पर कटेगा टू वाला से क्या करेंगे खींच देंगे टू वाला से क्या करेंगे खींच देंगे। अब यहाँ पर आया फिर वही क्या कोई अपने मन से क्या करेंगे एक चाप लेंगे इसमें, इसमें अपने मन से कोई क्या करेंगे एक चाप लेकर इसमें क्या करेंगे खींच देंगे जी, एक चाप खिंचाएगा। फिर ये वाला जो पॉइंट आया है इस पर से रखकर एक अपने मन से क्या कर देंगे चाप खींचेंगे ऐसे हो गया। फिर इसको नापेंगे कि कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा इस पर लाके रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे काट देंगे, तो जहां पर कटेगा फिर इसको स्केल से क्या कर देंगे मिला देंगे हो गया। और यह सी है तो क्या बोलेंगे सी डैश या ए है तो क्या हो गया ए डैश हो गया। इसमें यही है कि ए वाला दोनों लाइन क्या होगा समांतर होगा और ई वाला दोनों लाइन क्या होगा समांतर होगा, त्रिभुज के अंदर बन गया। अब चेक करना है कि हम सही बनाया है गलत, ए वाला भुजा बीसी भुजा जो था बीसी जो भुजा है कितना था छह सौ था ना, तो नया वाला त्रिभुज जो बीसी कैसे बना है बीसी डैश ये बना है त्रिभुज एक बना है बीसी डैश, बीसी डैश का साइड कितना होगा छ गुणे या दो बटा तीन है ना दो बटा तीन तीन गुना छुना चार सौ, या यहाँ से यहाँ तक जो होगा बीसी डैश कितना आएगा होगा चार सौ, इसको भी माप लेंगे। जैसे ए बी वाला भुजा पहले कितना था चार सौ था, अब ए बी
बी ए डैस वो कितना होगा, चार गुणे दो बटा तीन, तो चार गुणा आठ बटा तीन, और इसको भाग कर देंगे, तीन तीन से डिवाइड करेंगे कितना होगा, तीन दुना छः, यहाँ कितना हुआ दो, तीन छके अठारह, यानी लगभग 2.7 सेमी आएगा, ए बी डैश 2.7 सेमी और बी सी डैश कितना आएगा 4 सेमी, इतना अगर आ जाएगा तो कंस्ट्रक्शन सही बना। प्रकार से बी पॉइंट पर चार रख के 4 से निकालो, और सी पॉइंट पर रख के 5 से निकालो, यहाँ से खींचो, यहाँ पे मिला अभी मिला दो, ए पॉइंट हो गया, अच्छा यहाँ से न्यून कोण स्केल पर आके खींच देंगे, यहाँ कितना है 2/3 है, तीन वो चाप लेंगे, ये छोटा हो बड़ा हो जो ज्यादा होगा उतना ही चाप लेना है, हमारी नीचे छोटा की हो जाएगा तो जो बड़ा होगा उतना ही चाप खींचना है, कौन चाप खींचना, एक दो तीन, अब इसको मिला दो, अब बन त्रिभुज क्या बनेगा अंदर, तो अंदर बनेगा बाहर वाला से पहले मिला लेना है, हाँ मिला दिया, हो गया मिल गया, अब इस पर प्रकार रखना है, बी वन है इस पर प्रकार रखना है, कोई अपने मन से चाप, अपने मन से चाप लाके इसमें मिलाना है, यहाँ पर रखकर फिर टू पर रखना है, टू पर अपने मन से कोई चाप रखकर मिला देना है, इसको नापना है कितना बड़ा है, इसको नापेंगे यही ले आकर इस पर रख देंगे, जहां पर कटेगा उससे फिर यहाँ पे देंगे मिला, किस तरह इस पर नापना, जैसे ना तो ऐसे इस पर रख कर प्रकार इस पेंसिल जितना बड़ा आएगा ये वाला पाला का जहाँ को कटाया काट देना है, और फिर बीटू पर रख कर चाप लेंगे, बीटू को हम कभी भी नहीं बोले हैं, हाँ पहले यहाँ पे लिखेंगे और फिर बीटू पर रख ऐसे काटेंगे, इसमें लाग सटा देना मिल जाएगा, फिर इसको नापेंगे ये कितना बड़ा है, ये वाला जहाँ पर आया उतना माप लेंगे, यही ले आकर रखेंगे यहाँ पर से, यहाँ पर पहले मिला देंगे, फिर अपने मन से कोई चाप इसमें रखना है, सी पर रखकर ऐसे काट देंगे, समझे, फिर इस पर रखकर अपने मन से कोई चाप लेना है ऐसे, फिर इसको नापेंगे प्रकार रखकर कितना बड़ा है, यही लाना है यहाँ पर पटेगा काट देंगे, यहाँ पर मिलेगा इसको दूसरा प्रश्न पर आधारित है, 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करें और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा की 3/3 / 3/4, फिर यहाँ पर 3/4 दिया था, तो त्रिभुज बनाएंगे अंदर बनेगा बाहर बनेगा अंदर, अंदर तो इन 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी ज्यादा आधार किसका है, 7, तो बीसी हम क्या करेंगे 7 का क्या करेंगे खींच लेंगे, फिर प्रकार पर रखकर यहाँ पर बी पर रखे 6 का चाप खींचेंगे, फिर यहाँ पर रखकर 5 का चाप खींचेंगे, और यहाँ से अगर मुझे मिला गए फिर 5 कितना का 6 का खींचेंगे, फिर 6 का खींचे मान लीजिए कितने का 5 का, ये हो गया पॉइंट, फिर यहाँ पर क्या करेंगे न्यून कोण खींचेंगे, कितना है 3/4 यहाँ पर रखेंगे कोई समान चाप खींचेंगे, 1 2 3 4 त्रिभुज अंदर बने बाहर बनेगा, अंदर बनेगा बाहर वाला बंद कर देंगे, इससे मिला देंगे, फिर वही काम, ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4,
हो गया। ये अपने मन से यहाँ पर रखेंगे और कोई चाप लगे इसमें गिरा देंगे जो चाप। हाँ फिर किस पर? तीन पर मात है, चार पर हो गया, अब तीन पर। तीन पर से यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर कोई चाप लगा मिला देंगे, इसको मापेंगे जितना बड़ा होगा यहाँ पर लगा जाएगा काट देंगे, यहाँ पर कटेगा खींच देंगे। इधर उधर थोड़ा सा कर सकता है लेकिन ये वाला लाइन समांतर होना चाहिए, ठीक है? यही वाली वाला समांतर होगा। फिर यहाँ पर रखेंगे कोई चाप इसमें खींच देंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे जहाँ आया है इस पर सर्किट में जहाँ खींचेंगे, फिर इसको नापेंगे प्रकार रखकर जितना आएगा यहाँ पर लगा कर देंगे काट देंगे। तो ये वाला इतना अभी हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, हो गया। सही कैसे बना होगा? हमारा बी सी डैश निकालना है, बी सी डैश तो सात गुणे कितना बट्टा है, तीन बट्टा चार, इक्कीस बट्टा चार को भाग दे दो जितना आएगा। और यहाँ पर हमारा ए बी डैश, बी ए डैश कितना था, ये सिक्स था ना, तो सिक्स इंटू कितना गुणा, थ्री बाई फोर, थ्री नौ बट्टा दो साढ़े चार, ए आएगा ए वाला साढ़े चार आएगा, और ए वाला चार पच्चीस बीस, चार गुना आठ, चार पच्चीस बीस, इन लगभग पाँच पॉइंट दो कुछ आएगा। तो अगर सही बना होगा तो इतना आएगा। पाँच सीमित छः सीमित सात सीमित बुझा वाला वही है, क्वेश्चन वही है, बस अब आ गया सात बटा पाँच, यानी कि अब अंश क्या है, बड़ा है, सात बटा पाँच अंश बटा आठ, अंश बड़ा है तो बड़ा है तो कहाँ बनेगा, बाहर, अब त्रिभुज जो बनाएगा बाहर बनेगा, काम वही जैसे बन रहा वैसे ही बनेगा, जो चाप लिए जा रहा है वो बाहर बनेगा। तो देखो यहाँ पर बीसी खींचेंगे सात से, यहाँ से चाप लेंगे बी पॉइंट रखकर जैसे त्रिभुज बना देते हैं, ये सात पर कैसे खींचेंगे, ये ना ओके। तो यहाँ से जिन कोण खींचेंगे, अब कितना सात पाँच है ना, इसमें कितना चाप लेंगे सात, बड़ा है समान चाप लेकर प्रकार से सात को काट देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब चूंकि त्रिभुज कहाँ बनेगा, जब बाहर बनेगा तो अंदर वाला बंद कर देगा, अंदर वाला क्या है पाँच, तो बी वन बी टू बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी फाइव बी सिक्स बी सेवन, तो पांच वाला को स्केल से क्या कर देंगे मिला दिया देंगे। अब क्योंकि ये बाहर बना है तो ए वाला भुजा को बढ़ा देना है जी, और ए वाला भुजा को बढ़ा देना है, बाहर बना है तो बाहर से भुजा कर देंगे बराबर। अब क्या है सेम वही काम, पांच पर रखना है प्रकार, कोई चाप लेना है ओके जी, सात पर रखना है प्रकार और एक चाप लेकर खींच देना है, फिर इसको मापेंगे कितना बड़ा है, फिर जहाँ पर लाकर रखेंगे जहाँ पर कटेगा तो कहते हैं काट कर रखेंगे, फिर इसको ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रकार कोई चाप लेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे और कोई ऐसे चाप ले लेंगे, फिर इसको नापेंगे, फिर यहाँ पर रखकर नाप देंगे जहाँ पर आएगा कट देंगे, और कटने पर जहाँ पर आएगा ऐसे ऐसे मिला देंगे। और ये है तो ए डैश और सी है तो सी डैश, हो गया। अब कितना आएगा साइड, जैसे बी सी डैश तो बी सी डैश कितना आएगा, तो सात गुणे सात बट्टा पाँच, सात उनचास बट्टा पाँच, पाँच नौ पैंतालीस, चार पाँच बटे चार, और हमारा ए डैश बी कितना आएगा, ये कितना था ये वाला था कितना खींचे जी, ये पाँच है, ये पाँच खींचे थे जी, पाँच भैया पाँच है सात बट्टा पाँच, ठीक है जी,
तभी ये सात आएगा। मैंने जो यहाँ पर होगा पांच हुआ तो पांच से मल्टीप्लाई कर छह वाला कितने तो छह तो ई वाला कितना आएगा सात आएगा ई वाला कितना आएगा नौ पॉइंट आठ अगर इतना आ जाता है स्केल से नाप लेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन क्या है सही कुछ करो प्रश्न तीन पर आधारित है कि तीन सेमी चार सेमी और पांच सेमी भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा है संगत भुजा कितना तीन बटा दो गुने उसके साथ सात बटा पांच गुने भी आपका तीन बटा दो गुने बात तो वही है प्रोसेस वही है बस प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है कि प्रैक्टिस करेंगे तो तीन और चार पांच में सबसे ज्यादा साइड किसका है पांच का है आधार पर पांच सेमी कितने में आंसर में हो गया फिर स्केल पर कितना तीन या चार कोई मान सकते हो मानिए तीन से तीन से यहाँ पर रखकर स्केल से काट दिए फिर चार से तरफ यहाँ पर रखे काट दिए ये हो गया आपका तीन से भी ये कितना हो गया चार से हो गया फिर यहाँ से न्यून कोण खींचेंगे आप देखेंगे चूंकि तीन बटा दो है तो अंदर बनेगा बाहर बनेगा बाहर बनेगा तो बाहर बनेगा तो इस भुजा को पहले थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इस भुजा को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे हो गया तीन बटा दो है तो चाप कितना लेना है तीन तो इस पर रखकर कोई समान चाप प्रकार से रख लेंगे एक दो तीन हो गया तीन हो ना अब इसमें बाहर बनाना है तो बंद करेंगे इसको दो वाला से मिला देंगे दो वाला से ऐसे बंद कर मिला देंगे सिर्फ वही काम इस पर रखेंगे स्केल पेंसिल और यहाँ से रखकर ये क्या करेंगे चाप खींचेंगे ये हमारा क्या है बी वन है बी टू है बी टू है ये क्या है फिर यहाँ पर रखकर एक चाप खींचेंगे इसको मापेंगे जितना बड़ा होगा इस पर लगा कर काट देंगे जहाँ पर कटेगा इसको लगा देंगे खींचेंगे स्केल से सीधा रहेगा फिर वही क्या यहाँ पर कोई चाप लेंगे अंदर फिर यहाँ पर कोई चाप लेंगे इस पर करके कोई चाप ले लेंगे फिर इसको नापेंगे इसको नापेंगे जहाँ पर आएगा सीधा करेंगे काट देंगे यहाँ से ये हमारा क्या है सी है तो सी एस ए है तो ए एस ये तो मैं मार्कर से बना रहा हूँ आप लोग नाप से बना रहे अब यहाँ पर जांच करना है कि मैंने सही बनाया तो बी सी डैश पाँच है पाँच मल्टीप्लाई कितना गुंडा तीन बट्टा दो तो पाँच के है पंद्रह बट्टा दो यानी साढ़े सात से भी यहाँ से आप साढ़े सात में आएगा इसको नाप लेते हैं ए डैश बी ये कितना है तीन है तीन गुणा कितना बटा दो तीन बटा दो तीन बटा दो कितना हुआ साढ़े पाँच साढ़े चार सी अब यहाँ से यहाँ कितना आएगा साढ़े चार सी अगर इतना अगर आ जाता है मापने पर खींचने पर आपका बनाया प्रश्न क्या है सही कितना क्वेश्चन हुआ तीन क्वेश्चन हुआ और बचा हुआ चार क्वेश्चन ग्यारह पॉइंट वन का है तो बचा हुआ चार क्वेश्चन अगला वीडियो आपको मिल जाएगा थैंक्स।